मैं तो मेल ही भेज सकता हूँ जी आपको, आपके घर चिट्ठी लेके तो आऊंगा नहीं, आधे घंटे पहले मेल भेज चुका हूँ, चेक तो कर लो। आधे घंटे में बॉस को फाइल अपनी टेबल पे कंप्लीट चाहिए। वाह, नहीं वाह अंधेरी लाल जी वाह, अगल बगल वालों का भी काम लिया हो ना, सबकी फाइलें ला कर पटक दो मेरी छाती पे। अरे यार तुमसे क्या रखवाऊंगा मैं अपनी छाती पे, तुम मेल चेक करो। मैं बता रहा हूँ अंधेरी लाल जी, 25,000 रुपए में ना तुम सबने मुझे खरीद नहीं लिया, तुम्हारा एम्प्लॉई हूँ यार, कोई बंधवा मजदूर ना हूँ ना, तुम मुझे हल्के में लो, 40 बीघा जमीन नाम है मेरी यूपी में, मजबूरी है आदमी की, कर रहा है नौकरी बस ये। अरे तुझे भैया अभियान है, फेफड़े में घुसेगा मेरे, ले जा भाई लन्ने। मैं बता रहा हूँ जब भी मैं घर जाने को तो सारी की सारी फाइलें पटक देता हूँ। कल को तो बॉस नु कह देगा, अरे अमित भैया थोड़ा सा फ्री है, एक काम कर दे, मेरी वाइफ को पार्लर से लिया, मेरे बालक का डायपर बदल दे, मेरी सास को झूला झूला ला ना, मैं तो इन्हीं कामन में लगा रहूंगा। लेकिन अमित हमको क्या लगता है ना कि बॉस है वो हमारे दिल के इतने बुरे नहीं है। होगा तो बुरा होगा ना, वो मंगल बाजार के पजामे और बॉस के ड्रामे सालों साल चलते हैं। प्रावा तेनु बॉस तो डर नहीं लगता। और सरदार जी एक मिनट में बॉस का पूरा चरित्र सुधार दूं, अपनी पे आ गया ना उसकी टट्टियां निकाल दूं, मैं बता रहा हूँ। अरे अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही, थोड़ी देर में बात करियो, एक बात, इतना निचड़ आदमी है बॉस। बहुत अच्छे हैं बॉस मेरे। बॉस जी मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं तुम्हें बॉस जी, बुराई तो मुंह से ही निकलती है। मेरे धोखे से निकल गई बॉस जी, मैं मरी जाऊं, भगवान बचाओ, मेरी मम्मी मेरी माता भगवान। बॉस जी मुझे कैबिन में ले चलो, मुझे बर्बाद कर दो बॉस जी, मेरे को नौकरी से निकाल दो बॉस जी, मेरी जुबान क्यों ना टूट गई बॉस जी, मैं मर जाऊं, मारो मारो, मर जाऊं बॉस जी। क्या चलो नाटक कर दूंगा, बैठ जाओ चाय। सर जी गाड़ी तो बड़ी सही है, कितने में मिला? अरे अमेज़न से लिए भाई, जो भी बजट हो 1000 ऑप्शन, आप भी ले लेना। चलो। अरे अजीब आदमी हो यार, अरे बोल रहे हैं टाइम नहीं, अरे एक सेकंड का टाइम नहीं है यार, खाली थोड़ा ना बैठे हैं यहाँ पे। शिवम क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? टाइम है, तुम चुप रहो बे। यार वो ना बॉस ने अर्जेंटली मुझे एक PPT बनाने के लिए दे दी है और बोला है कि आधे घंटे में चाहिए, तो क्या तुम बना दोगे? यार रिया, यार शिवम तुम्हें पता है ना इस पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं तुम पे करती हूँ, तो क्या तुम हो जाए। ओके बाय, थैंक्स। चलो ये 5 मिनट का ब्रेक ले लेने हैं। नहीं यार, ऑफिस के प्रेशर को कैसे झेले, आओ चाय की थोड़ी चुस्की ले लें। अरे नहीं यार हम नहीं आ सकते, तुम्हें भाभी ने थोड़ा काम दिया है, समझो भी प्रेजेंटेशन बना रहे। भाभी केड़ी भाभी ओए? अरे भाई रिया भाभी और कवल, तुम्हें तो पता है इस ऑफिस में हमसे ज्यादा भरोसा करती नहीं है ना किसी पे। समझा, सूखी चमड़ी। अबे तेरी भाभी है वो, तुझे पता भी है पिछले हफ्ते जो महाराष्ट्र से उसका असाइनमेंट आया था ना, इस स्मार्ट लोंडे ने वो बना के दिया था, उसने बड़े प्यार से मेरा गाल ऐसे पकड़ के बोला था, अमित मुझे तुमसे ज्यादा किसी की ट्रस्ट नहीं है। ओए असी इत्थे कदे बैठे हां, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪਾਪੀ ਆਓ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਆਪ ਪਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਕਿਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੋ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ? ओके बाय थैंक्स। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। वो
लो अमित, आपकी हेल्प के लिए ही तो बैठे हैं। आप इस कंपनी के एसेट हैं। हम अपने हर एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं। अब आप हैं तो ये कंपनी है। तो बताइए क्या चाहिए? ये छुट्टी चाहिए थी मैं। छुट्टी चाहिए? तू 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 छुट्टी आ जा। नहीं चाहिए मुझे भी नहीं चाहिए। छुट्टी चाहिए? छुट्टी हाँ। और कुछ? कोई और प्रॉब्लम हो तो बताना। छुट्टी मत मांग लियो। आपकी हेल्प के लिए ही तो बैठे हैं। आप हैं? वो कंपनी है। तुम लोग समझ जाओ, अगर नाच गाने से, मस्का लगाने से या खाना खिलाने से प्रमोशन मिलता ना, तो आज ये अंधेरी लाल मेरा बॉस होता। पता नहीं इनको सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब कुछ। पानी मांगा था, शिकंजी दे दिया। अगर यही हाल चलता रहा ना, तो अगले हफ्ते होने वाले एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड और उसके साथ का प्रमोशन मैं इस अंधेरी लाल को दे दूंगा। बॉस, बॉस, बॉस। ये लो, बिना मिलावट के। I love you, boss. तुम लोग सेल्स में हो, सेल्स में। शेर बनो शेर, और मेरी तरह दहाड़ना सीखो। या, या, दहाड़ो, दहाड़ो। हेलो, कौन? अरे नहीं बेबी, सब्जी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाके दहाड़ो, चलो। टांग तोड़ गई। सॉरी। चेनी। जूता तो बड़ा सही है सर जी, कितने में मिला? अरे जाओ यार, अमेज़न से लिया ना, है ना? अरे भैया अच्छा है ना? हाँ हाँ, मार ले मुझे। उधर बॉस मार रहे हैं, आप भी मार लो। एक बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने दो सर जी, आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। अच्छा, तेरे जैसे कितने देंगे। मेरे जूता। आज ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे कि बॉस पगला जाएंगे, और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड हमको ही देंगे, चार पांच साल के। हेलो। हाँ बेबी। रिया कौन है ये? क्या सुन रही है? कौन बोला तुमको? अरे अफवाह है, किसी की बातों में मत आया करो। इसी दिन का तो इंतजार था। सफेद कुर्ता जूता संतरी, आजा बनाऊं तो है मंत्री। अरे फालतू बात करके हमारा मूड ना खराब करो, हमारी प्रेजेंटेशन है, सब गोबर करा दोगी तुम, रखो। आज करेंगे भोकाल सेट, एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का वो। सर, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है, इसको देखने के बाद आपका जो नजरिया हमारी कंपनी के लिए, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, मतलब 360 बदलाव आएगा। स्टार्ट करो। जी सर, दूसरी एक जरूरी चीज। स्टार्ट करना। अब बेटा स्टार्ट करो। सर हमको पता है हमारी कंपनी की जो इमेज है वो मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव है, हमारी कंपनी की असली इमेज ये है। ओ पाजी, तू सी वीडियो बना रहे हो? ये है सर। कर दी इमेज चेंज। शिवम। So Mr. Chaudhary, I can promise you, you cannot get better deal than this in the market. Hello? हाँ, तब मैं थोड़ी देर में फोन करूँगा। जी मुझे पता नहीं आपकी बोली से खुशबू आई, आप बुलंदशहर से हो? अरे मैं औरंगाबाद से हूँ। So Mr. Chaudhary, I was... बहुत बढ़िया लगा जी, पहले तो मिल गया, मजा आया कसम से। कहाँ से पढ़े हो जी आप?
मैं लखावट इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। अरे जी आप भी वहीं से पढ़ो। मैं तो जी लोक किसान इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, पर लखावट इंटर कॉलेज में अपनी बढ़िया बात रही है, दादा पढ़ा करे हमारे वहाँ। क्या नाम रहा उनका? उनका एफ बी इंस्टा चौधरी नाम उनका। अरे तुम क्या करते टाइम में फंस गए दी, आज के टाइम की बात है, कोई घर बात ऐसी है, घर जैसी है, शाकाहारी खावे सौ को उसका देसी भी एक हो जावे। चौधरी लेट्स शट अप। हाँ जी तुमने तो फिर खुर्जा का वो भी खाए होंगे दाल से। अरे बहुत खाए। ओह मैं करा दी समझू अपने रिश्तेदार ही है दो चार। चौधरी चौधरी थैंक यू बॉस के लिए नया स्मार्टफोन, वो भी बजट में। थैंक्स अमेज़न, अब तो मेरी प्रमोशन पक्की। सुनो ए, प्रमोशन किसी को भी मिल जाए लेकिन अमित नु नहीं मिलना चाहिए। हमारे पास आइडिया है, तुम ये बताओ बॉस और एचआर की होली पार्टीज वाली फोटो पड़ी है ना तुम्हारे पास? हाँ है, लेकिन उसका क्या? बॉस की बीवी का सबसे बड़ा चमचा कौन? अमित। और अभी अमित है मीटिंग के अंदर, तो उसका फोन होगा कहाँ? लॉकर में, अंधेरी लाल के पास। तो प्लान ई है, हम बॉस की बीवी को बॉस और एचआर की सारी फोटोज भेजेंगे अमित के फोन से, अंधेरी लाल की मदद से। अमित का प्रमोशन भी गया और बॉस की भी जिंदगी झंडा हो गई। एक तो ओबराय जी नाराज़ होकर के चले गए, ऊपर से ये मेरी वाइफ एंग्री इमोजी भेज भेज करके मुझे परेशान करके रखा है। पीछे पड़ी हुई है मेरे, कहती है कि लेगी तो ब्रांडेड हैंडबैग। अरे बजट नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है जी, क्यों नहीं होती? कहो तो सैड इमोजी को हैप्पी इमोजी में बदलवा दूँ, नाराज भाभी को भी ओके रिपोर्ट करवा दूँ। ये किया मैंने आपके फ़ोन में अमेजोन डाउनलोड, इसमें मैंने टाइप किया हैंडबैग्स, ये आ गए एक से बढ़कर एक, वो भी बजट में। जो भी पसंद आए भाभी को ऑर्डर कर दो, हो गया काम। ये कंफर्म हैप्पी इमोजी भी आ गया, दिमाग तो तू सही चलाता है। हेलो, बड़ी पार्टियां चल रही हैं, हंसी ठट्टे चल रहे हैं, अमित ने सारी फोटोज भेजी है मुझे, घर पे तो तुमसे टिका भी नहीं जाता। अरे वो तो पुरानी पार्टी की फोटो है। अरे मेरी बात तो सुनो अमित, 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 सो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू एनी गेसेस गाइस, सो अवार्ड गोज टू अमित भड़ाना। ए ऊपर वाले, कैसी तेरी योजना? प्लानिंग तो तू सही कर लेता है, इस ट्रॉफी के बिना मेरी कतई भी मौज ना। मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स ने नाइट आउट का प्लान बना रखा है, मेरी वाइफ है कि मुझे नाइट आउट के लिए जाने ही नहीं देती। कुछ ऐसा हो जाए कि एक रात की छुट्टी मिल जाए। हो तो सकता है, लेकिन कुछ लेने के लिए? तुम्हारी प्रमोशन पक्की। इस ट्रॉफी के लिए मेरे दोस्त मेरी मदद करें रोजना। खेतन में खिल गई फूल और कली, उड़ा के फोन मेरा, गोरिया कहाँ को चली? ट्रॉफी तो मुझे मिल गई। शिवम सर ने आपका फोन मंगाया था लॉकर से, लेकिन इसको दिलवाने में ना
मेरे इन तीनों दोस्तों की बराबर भागीदारी है। 24 घंटे तक उसकी नाक पे गुस्सा रहेगा, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा ठंडी बर्फ भी नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो, घर पे मत आना। अरे मेरी बात तो सुनो अमित। लेकिन मुझे आज एक बात याद आती है, माँ कहती थी बेटे चढ़ाव भी आएंगे उतार भी आएंगे, लेकिन जीवन में स्वार्थी नहीं बनना। मैं बन गया था, मतलब मैं नहीं, शिवम मुझसे ज्यादा इस ट्रॉफी को डिजर्व करता है। शिवम ये ट्रॉफी तेरी, आजा आजा आजा। सॉरी सर, मैं इसको देना चाहता हूँ ट्रॉफी। अरे नीला कोट संतरी मुंह, हमको ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मजाक मजाक नहीं सर, सर प्लीज आइए ना। ये सच सच में दे रहे हो? हाँ सच में। ये ताली बजा दो यार। अरे हम तुमको इतना गलत समझते थे भाई, हम भी आपको समझते थे, अच्छा समझते हैं। एक फोटो। ओके बाय। क्या बताएं, हमको तो लगा था कि गया हाथ से ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसा लग रहा है। शिवम अब इस प्रमोशन के साथ साथ ये गाड़ी भी तुम्हारी। गाड़ी? अब जुगाड़पुर जाओगे तो गाड़ी की जरूरत तो पड़ेगी, वहां बस नहीं जाती। जुगाड़पुर? हाँ, हमारी नई ब्रांच जो खुली है जुगाड़पुर में, उसी के मैनेजर का तो प्रमोशन था जो अब तुम हो। जुगाड़पुर कहाँ है? जुगाड़पुर नागपुर से लगभग 1300 किलोमीटर आगे। मैंने तो सुना है वहाँ लाइट भी नहीं आती। यार अमित, तुम्हें तो पता ही है ना, पूरे ऑफिस में मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर ही करती हूँ। हम भी तुम पर ही करते हैं।